हेलो गाइस, आज मैं एक लेकर आ गया हूँ। बहुत छोटे सा टॉपिक है, इसलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है जेन ऑस्टिन का। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जेन अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान जेन ने नाटकों और कविताओं को लिखा। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास एंड फ्रेंडशिप SRIC और अन्य किशोर लिखा। हालांकि प्रकाशक को उनकी पहली असफल सबमिशन 1797 में फर्स्ट इम्प्रेशन, बाद में गौरव और पूर्वग्रह शीर्षक था। 1803 में सुसान, बाद में नार्थहीजर एवी, वास्तव में केवल 3 के लिए प्रकाशक को बेचा गया था। लेकिन 14 साल पर्णप्रतात प्रकाशित नहीं हुआ था। उनका पहला स्वीकार्य कार्य 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी शीर्षक था, जिसे अनामित रूप से प्रकाशित किया गया था, क्योंकि उन्हें जीवन काल के दौरान में प्रकाशित सभी पुस्तकें थे। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा था, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने प्रथम छाप को संशोधित किया और इसे 1813 में प्राइड एंड प्रेजुएशन नामक प्रकाशित किया। मैंसफील्ड पार्क 1814 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1816 में एम्मा ने उसी वर्ष प्रेजुएशन पूरा किया और सेडुएट शुरू किया। आखिरकार अधूरा छोड़ दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1818 में फर्स्ट प्रेजुएशन और नार्थहीजर एवी दोनों प्रकाशित किए थे। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जेन ऑस्टिन का जन्म स्विट्जरलैंड के हम्पियासर गांव में हुआ था, जहां उनके पिता रिवरेड चार्ल्स ऑस्टिन रेकर थे। वह 8-6 लड़कियों और 2 लड़कियों के परिवार में दूसरी बेटी और 7वीं बेटी थी। उसी परिवार के जीवन में उसका सबसे करीबी साथी उसकी बड़ी बहन कैसेंड्रा थी, न जो जैन और न ही कैसेंड्रा ने शादी की। उनके पिता एक विद्वान थे, जिन्होंने अपने बच्चों में सीखने के प्यार को प्रोत्साहित किया। उनकी पत्नी कैसेंड्रा ने लेख तैयारी बुद्धि की एक महिला थी, जो उसके अचूक छंदों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। महान परिवार मनोरंजन अभिनय कर रहा था। दोस्तों, मैं बता दूं कि जेन ऑस्टिन की एक बहन थी, जिसका नाम था मनिंद्रा, कैसेंड्रा था, सॉरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेन ऑस्टिन के जीवंत और स्नेही परिवार सर्कल ने उनके लेखन के लिए एक उत्तेजक संदर्भ प्रदान किया। इसके अलावा उनका अनुभव रक्त और दोस्ती के संबंधों के व्यापक नेटवर्क द्वारा स्वीटवन रेक्टोरी से काफी दूर किया गया था। यह गांव पड़ोसन और देश में शहर में मामूली भूमिगत सज्जन और देश के पात्री थे। कभी कभी बाथ और लंदन के दौरे के साथ वह संटिस्क पात्रों और विषय वस्तुओं में उपयोग करना था उसके उपन्यासों का। दोस्तों, मैं अभी कहानी थोड़ी लंबी है, तो आप लोग कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक वीडियो को देखें। दोस्तों, अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान जेन ने नाटकों और कविताओं को लिखा। 14 वर्ष की उम्र में, दोस्तों, जेन ऑस्टिन 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास एंड फ्रेंडशिप SRIC और अन्य किशोर लिखा। हालांकि प्रकाशक को उनकी पहली असफलता सबमिशन 1797 में फर्स्ट इम्प्रेशन, बाद में गौरव